हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू अपना चैनल। आज मैं आपको वेजिटेरियन डिश दिखाने वाली हूँ, वो कैबेज डिश। तो इसके लिए हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये ना 15 मिनट्स में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट्स में आप इसको इजी में बना दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पूरा रेडी रख ली, मैं आपको बाद ये कुकिंग करते टाइम पे मैं आपको सब बोलूँगी। एंड चलो अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कुकर पे ऑयल हीट कर ली एंड इसमें हम ऑनियन डालेंगे, चॉप्ड ऑनियन, 1 चॉप्ड ऑनियन है ये। एंड इसके साथ ही मैं ग्रीन चिल्लीज डालूँगी, आपको आपके क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, ये स्पाइसीनेस के हिसाब से। एंड मैं इसको थोड़ा कुक करूँगी एंड मैं इसमें थोड़ा इसको जल्दी से ब्राउन होने के लिए, जल्दी से कुक होने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे इसमें। मैं थोड़ा सा जल्दी कुक होने के लिए उसको सॉल्ट डाल दी। ये थोड़ा लाइट ब्राउन हुए तक मैं इसको कुक करूँगी। देखिए ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो रहा। हम यहाँ ग्रीन चिल्ली स्लिट करे हुए 4 डाला। देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने के लिए आ रहा, तो अब मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट है, मैं ये ऐड करूँगी। एंड इसको भी थोड़ा लाइट ब्राउन हुए तक 1 टेबल स्पून, एंड इसको भी मैं लाइट ब्राउन हुए तक, इसका स्मेल गए तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये इजीली 15 मिनट्स 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट बन जाएगा। हाफ टी स्पून टर्मरिक, हल्दी डाल एंड 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप कितना स्पाइसी खाते वो। एंड इमीडिएटली मैं ये डाल के, ये आप जल्दी से डाल दीजिए और एल्स कैबेज और एल्स रेड चिल्ली थोड़ा जल जाएगा। देखिए मैं इसको कैबेज डाल के अच्छे से मिक्स कर ली। नाउ अभी हम इसमें ही ये टोमेटोज डाल देंगे। ये ऑलमोस्ट मोर देन हाफ के जी कैबेज है ये, तो मैं इसमें 2 टोमेटोज डाल रही हूँ। आपको जितना चाहिए 2 और 3 और 4 लास्ट एक्स्ट्रा मत ऐड कीजिए। मैं 2 ऐड कर रही हूँ एंड इसमें करिया पक भी ऐड करेंगे हम, करी लीव्स। ये 15-20 मिनट्स में बनने वाला है ना, तो मैं इसलिए हम इसमें सारे सामान एक ही साथ डाल के हम इसको मिक्स करके कुक करने रखेंगे। एक्सेप्ट मैं इसमें टोमेटोज़ भी डालूँगी, सॉरी पोटैटोज़ भी डालूँगी। मैं उसको पानी में सोख करके रख ली। मैं इसको ये 2 और 3 विजिल्स के बाद मैं इसमें आलू भी डालूँगी। ये आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर ही देखिए, सो टेम्प्टिंग। हम इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा हाफ ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज इसमें ऑलरेडी वाटर रहेगा कैबेज में, हम इसको क्लीन करके रख लिए ना वाटर में, तो इसलिए देखिए हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल के मैं 2-3 विजिल्स रख दूंगी। अगेन आई विल बी बैक आफ्टर 2-3 मिनट्स। आई एम बैक आफ्टर 2-3 विजिल्स के बाद मैं इसको इसका निकालूंगी ढक्कन। वाओ देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे एंड देखिए ये ऑलमोस्ट थोड़ा कुक हो गया। एंड अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, पोटैटो। नाउ इसमें मैं पोटैटो ऐड करूंगी, ये कोरिएंडर मैं एंडिंग में ऐड करूंगी लास्ट में। एंड इसमें आप थोड़ा सॉल्ट चेक कर लीजिए। सो यम्मी, इसमें थोड़ा सॉल्ट जाएगा। मैं अभी और हाफ टी स्पून ऐड करी एंड इसमें सॉल्ट का आप मैनेज कीजिए, बिकॉज हम जब ऑनियन कुक कर रहे थे हम, जब मैं सॉल्ट ऐड करी थी ना, तो इसलिए हम इसमें अब बैलेंस करेंगे। अब मैं फिर इसको पूरा कुक हुए तक विजिल पर रख दूंगी। अब मैं ये पूरा वाटर जब सब सुखा दूंगी इसका। देखिए आलू डाले बाद एक 4-5 विजिल्स रखी। उसके बाद वन मोर थिंग,
आपको इसमें वाटर है, वाटर रहा तो आप क्या कीजिए, लो फ्लेम पे और नहीं तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको जस्ट थोड़ा सा ऐसा उठा के एक फ्यू मिनट्स रख दीजिए, पूरा वाटर पूरा अब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ओपन करके देखेंगे कैसा बना। वाओ, देखिए देखिए, ये पूरा वाटर भी इसमें, पूरा वाटर भी अब्जर्व हो गया, ये तो पूरा कुक हो गया ये। नाउ मैं इसमें कोरिएंडर ऐड करूँगी। इसमें हम कोरिएंडर ऐड करें अभी। अब हमारा करी बन के, कैबेज करी बन के रेडी हो गया। इसको बनने में 15 मिनट्स भी नहीं हुआ, जल्दी बन गया ये करी पूरा। अब हम इसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए कैबेज करी बनके रेडी हो गया। मैं इसको रोटी के साथ सर्व करी, आप चाहे तो राइस के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। एंड ये तो ऑलमोस्ट न्यू बिगनर्स कोई भी बना सकते हैं। एंड आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, बाय।